आज भारत बंद है। बंद का समर्थन करने वाले संगठन SC ST और OBC के लिए आरक्षण पर संसद द्वारा एक नए कानून को पारित करने की भी मांग कर रहा है। भारत बंद के आह्वान के बावजूद सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप चालू रहेंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ 9 और शिकायतें दर्ज की गई हैं। हसीना के बेटे, बेटी और बहन शेख रिहाना को हत्या के मामले में सह आरोपी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने भी बीते हफ्ते मतदान और परिणाम की तारीखों का ऐलान कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आगामी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के पूर्व महामंत्री राम माधव और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति में आरक्षण के सिद्धांत को लागू करने का फैसला किया है। वैष्णव ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अम्बेडकर के पंचतीर्थ को गौरवपूर्ण स्थान बनाया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक अदालत ने 23 साल पूरे आने मामले में आप सांसद संजय सिंह समेत कई अन्य को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को इन सभी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने से महरूम रही भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट की राजनीति में एंट्री ले सकती है। फोगाट परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार संभावना है कि हरियाणा विधानसभा में विनेश फोगाट बनाम बबीता फोगाट और बजरंग पुनिया बनाम योगेश्वर दत्त मुकाबला देखने को मिलेगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो चंद्रयान 4 और 5 की तैयारी कर रहा है। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने मंगलवार 20 अगस्त को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी ने अगले चरण के मून मिशन के लिए डिजाइन तैयार कर लिया है। इसके लिए सरकार से मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के चीफ शक्तिकांत दास ने एक इंटरव्यू में कहा, RBI को आम आदमी की भाषा में समझ जाना हमारा लक्ष्य है। इसलिए RBI के काम को सरल भाषा में पेश करने की कोशिश की जा रही है ताकि हर इंसान अपने बैंकिंग सिस्टम को जान पाए और समझ पाए। RBI@100 एजेंडे में वो सब कुछ है जो हम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी पोलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। लॉर्ड्स की गवर्नर डोरोटा रील ने पीएम मोदी की यात्रा को पोलैंड और क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारतीय बॉलर बुमराह को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वासित अली ने अपनी राय रखी है। वासित अली ने कहा, कपिल और इमरान जैसे खिलाड़ी अपनी हरफन मौला काबिलियत के कारण सफल हुए। इसके अलावा उन्होंने बुमराह को सिर्फ अपनी गेंदबाजी पर ध्यान देने की नसीहत भी दे डाली।